हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं हूँ यहाँ पर अक्वा लॉन्च में, जो सबसे बड़ा शॉप है बैंगलोर का। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज के आपको फिशेस मिल जाएंगे कम प्राइस में। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड जो है प्लैनेट टैंक की वैरायटीज, सिटलेट टैंक की वैरायटीज, हर प्रकार के आपको पोलेरियम टेरेरियम के सेटअप्स और उसके एसेसरीज मिल जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पर वन स्टॉप है जो एक्वेरियम की ऑल एसेसरीज, आपको फिश फूड और हर प्रकार के आपको एक्वेरियम नीड्स मिल जाएंगी। तो वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत चैनल पर। जैसा कि हर एक नई टॉपिक से आता हूँ, तो फिर यहाँ पर हूँ मैं अक्वा लॉन्च में। अक्वा लॉन्च आपने जैसा देखा, बहुत सारे इस बार फिशेस और वैरायटीज और एसेसरीज बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं राजेश कुमार, स्टोर ओनर हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये ट्रेनियम सेट किया था एंड 2 महीने के बाद देखिए इसकी कितना अच्छा से ये ग्रो हुआ है। अच्छा, हम लोग वो 2 महीने पहले कवर किए थे ये क्लासेस भी ट्रेन किए थे, तो वो यहाँ पर देखिए 2 महीने बाद कितना बड़ा खूबसूरत लग रहा है। फिशेस में भी इसमें ऐड किए हुए हैं गोल्ड फिश, तो इसमें कोई या गोल्ड फिश आप रख सकते हैं। एंड ये प्लांट्स देख लीजिए कितना अच्छा से आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने छोटे से लेकर के तो 15-20 हज़ार रुपये से लेकर के रेंज चालू होता है, एंड जितना बढ़ा जाएंगे वैसे वैसे रेंज बढ़ता जाएगा। ऑल्सो आप जिस तरह का प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, बट बजट से लेकर के 15-20 हज़ार रुपये से लेके आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना के दे सकते हैं। 15-20 हज़ार रुपये बोल रहे हैं, ये विद सेटअप है या ओनली टैंक है? इसमें आपका टैंक आएगा, इसमें लाइट होगा और इसमें प्लांट्स आएंगे। अच्छा, एंड पानी हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, सब आप सेटअप पूरा देंगे? कंप्लीट सेटअप देंगे एट स्टोर। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर टेरेरियम रखना चाहते हैं, तो पोलेरियम और टेरेरियम यहाँ पर दोनों अवेलेबल हैं। दोनों के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बैंगलोर में यहाँ पर आपको एक ऐसा शॉप है जहाँ पर टेरेरियम, पोलेरियम और साथ में एक्वेरियम्स के सारे एक्सेसरीज और उसके प्लांट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। तो अगर कोई खुद भी बनाना चाहे तो वो भी हमारे यहाँ से, अगर सिर्फ उसको वुड चाहिए या स्टोन चाहिए या टेरेरियम के लिए स्पेशल प्लांट्स चाहिए वो भी हम दे सकते हैं, वो खुद अपना बना ले, या सिर्फ उनको टैंक चाहिए बाकी चीज़ें बाहर से लेना चाहें, तो जिस तरह से उनको सहूलियत है उस तरीके से वो कर सकते हैं। मेंटेनेंस कैसा होता है? क्या इसका मेंटेनेंस एक प्लांटेड एक्वेरियम के मुकाबले बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें एक मोटर चलता है जो ऊपर से पानी नीचे लेकर के आता है, तो इसमें आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो काम मोटर करेगा। एंड आपको बस हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार जो है ग्लास रब करके क्लीन कर देना है, वो भी अगर फिशर डालते हैं तो। हाँ, अगर फिशर डालते हैं तो। एंड अगर आपको फिश फूड रोज देने का टाइम नहीं है तो एक आप फीडर खरीद सकते हैं, एंड वो फीडर जो है आपको महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार रिफिल कर देना। तो ये आपका दोनों शौक को पूरा कर देता है, गार्डनिंग का शौक को भी और एक्वेरियम का शौक को भी, एंड मेंटेनेंस इसका काफ़ी कम है कम्पेयर टू अ प्लांटेड एक्वेरियम। अभी नेक्स्ट मूव होते हैं हम लोग फिशेस में काफ़ी सारे न्यू वैरायटीज आई हुई है, वो हम कवर करते हैं विद प्राइजेस। और यहाँ के प्राइस आप सबको बताया, काफ़ी अच्छा रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर फिशेस मिल जाती है। तो सीटलेट से स्टार्ट करते हैं। सो ये अपना मलावी सीटलेट है छोटे साइज में, तो आप देख सकते हैं 1.5 इंच 2 इंच का है। एंड अभी हम लोग एक्वेटिक वेंचर्स का फिश फूड भी इनको खिला के देखेंगे। तो ये हम लोग 99 रुपीज़ पर पीस में बेच रहे हैं, एंड जो इम्पोर्टेड वाले आते हैं वो 199 में है, तो अभी ये सारे 99 वाले ही रेंज के। तो ये देखिए एक्वेटिक वेंचर्स का इनको फिश फूड खिला के देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अपने स्टोर पे हम लोग ट्राई करते हैं कि सबसे बेस्ट खाना खिलाएं, ताकि जब कस्टमर के पास जाए तो सबसे बेस्ट हेल्थ कंडीशन में फिशेज। तो ये फूड आप फीड करते हो यहाँ पे फिशेस? हाँ, एक्वाटिक वेंचर्स का। अच्छा, ये क्या प्राइस में आ जाता है? ये अपना MRP 400 रुपीज़ है, बट अभी लॉन्च ऑफर जो है हमारे स्टोर पे,
तो ये आराम से आपको 250 टू 300 रुपीस में मिल जाएगा। कैसा है रिजल्ट? आपके सामने में है, आप कलर देख सकते हैं, तो काफी हेल्दी कंडीशन में फिशेज हैं। तो ये 100 रुपीस का सिंगल सिसलेट से यहाँ पर 99 रुपीस का सिंगल 99 का जी फ्लावर हंट का। फ्लावर हॉर्न हमारे पास दो प्राइस रेंज में है, ये जो बड़ा है ये 2299 का है एंड ये छोटा जो है 1699 का है, तो इनको भी खाना। ये बड़े साइज का जो है 2200 रुपये का है, छोटा 1600 का है। तो अच्छा, ये भी सीटलेट फूड है या डिफरेंट फूड है? ये अरवाना का स्पेशल फूड है। अच्छा, ये फ्लावर हॉर्न का, सॉरी फ्लावर हॉर्न का, ये भी एक्वाटिक जी जी वेंचर्स का है जी। और वैसे ये क्या प्राइस में जाता है ये जो हम अभी फूड देख रहे हैं? ये आपका 350 रुपीस का है, ये अभी इनॉग्रेशन के टाइम पे 250 में मिल जाएगा। अभी ये अपनी जापनीज कोई है तो ये छोटे साइज की है, 499 399 की है डिपेंडिंग अपन डिफरेंट वेराइटीज, एंड ये बड़े साइज की जापनीज कोई है ये अपना 2000 रुपीस की। और ये लगभग क्या साइज की होगी भी? ये आप देख सकते हैं ये तो करीब 9-10 इंच की है बड़ी वाली जो है, छोटी वाली जो है 3 से लेके 5 इंच के बीच है। अभी एंजल्स वेराइटीज में हम कवर करने वाले हैं, तो हमारे पास करीब 6-7 वेराइटी की एंजल्स हैं। प्लैटिनम हो गया, मार्बल हो गया, जेट ब्लैक हो गया, तो ये सब आपका 45 से लेके 90 रुपीस के बीच में है। ये आपका स्मोकी ब्लू हो गया, स्कार रेड कैप हो गया, ये आपका 90 से 159 के बीच में है। माना कपरू जो है वो 149 पर पीस है, प्लैटिनम स्कार 90 रुपीस का। ये नीचे में भी आपका है रेड कैप हो गया 149 रुपीस का है, एंड प्लैटिनम वो भी 149 का। इसको भी फीड करके दिखा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये एक्वाटिक का ट्रॉपिकल फ्लेक्स है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमारा रहा है। तो पहले हम लोग सिर्फ हिकारी ही खिला रहे थे दुकान में, हिकारी और सिरा, बट अभी अच्छा रिस्पांस देख के एंड फिश का हेल्थ देख के हम लोगों ने वी हैव शिफ्टेड टू दिस एक्वाटिक वेंचर्स। हाँ, ये आपका लॉबस्टर्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं रेड है, वाइट है, पिंक है, तो ये करीब 5-6 वेराइटीज़ के हमारे पास लॉबस्टर्स हैं, एंड ये हम लोग 289 रुपीज़ पर पीस बेच रहे हैं। ये स्टिंगरे है जो करीब 5-6 इंच का है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टेल टिल द माउथ, एंड ये 5999 में हम लोग बेच रहे हैं। इसको जनरली हम लोग श्रिम्प फीड कराते हैं। अभी यहाँ पर है नियॉन स्टेटस वेराइटीज हम कवर करने वाले हैं। तो नियॉन पे हमारा ऑफर भी चल रहा है अभी, एंड तो अभी ये सिर्फ नवंबर 2022 के लिए है, तो आप कोई भी ड्राई गुड्स खरीदते हैं 999 रुपीज का, तो 10 नियॉन टेटर आपको 99 रुपीज में मिलेगा, एंड कुछ भी आप खरीदते हैं दुकान से 200 रुपए से ऊपर का तो एक फिश फूड 20 रुपये का आपको फ्री मिलेगा। अच्छा, तो ये ऑफर है। और अगर आप 999 का सामान खरीद रहे हैं, 10 नियॉन टेट्रा मिल रहा है 99 रुपीस का, उसके साथ में हम आपको 20 रुपये का एक फिश फूड भी एक्स्ट्रा फ्री देते हैं। तो अगर 1000 रुपये कुछ खरीदते हैं तो 10 रुपीस नियॉन टेट्रा पड़ेगी, है ना? नहीं, अगर कोई 999 में खरीद रहा है तो उसको 99 रुपीस और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और उसमें उसको 10 नियॉन टेट्रा मिल जाएगा। 9 रुपीज़ 90 पैसा में एक नियॉन टेट्रा पड़ेगा उसको। वही 10 रुपीज़ का है ना? हाँ, 10 रुपीज़ रख लीजिए, 10 रुपये में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्राइस ऑफर चल रहा है, आपको 1000 रुपये का आप खरीदते हैं और 100 रुपीज़ में आपको 10 नियॉन टेट्रा मिलेगी। अब 200 रुपये का कुछ भी खरीदते हैं तो आपको 20 रुपये का फिश फूड फ्री मिलने वाला है। तो ये ऑफर काफ़ी अच्छा है, तो आप फ़ायदा उसका उठा लीजिए, विजिट ज़रूर कीजिए। और जो ऑफर अभी, ये कब तक है ऑफर? ये अभी नवंबर तक है। अगर
रिस्पॉन्स देख के शायद हम लोग दिसंबर में भी एक्सटेंड करें, बट एज ऑफ नाउ तो नवंबर तक का ही है, हो सकता है दिसंबर में भी एक्सटेंड करें हम। तो काफ़ी अच्छा प्राइस है और प्राइजेस काफ़ी अच्छे भी रहते हैं यहाँ के, तो आप ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसका क्या कॉस्ट है अगर हम बात करें? नॉर्मली लोग इसको 17-18 रुपये से लेके 22-23 रुपया मिनिमम बेचते हैं पर पीस, तो हम आधे से भी कम में दे रहे हैं। एंड आप साइज़ भी देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फुल आपका एडल्ट साइज़। अभी हम लोग ये फीड कर रहे हैं उनको, एक्वाटिक वेंचर्स का माइक्रो पैलेट्स हम लोग फीड कर रहे हैं उनको अभी। इसका तो इसका प्राइस क्या हो सकता है अगर कोई खरीदना चाहते हैं? ये प्राइस 300 रुपीज़ है, अभी स्टार्टिंग में लॉन्च के टाइम पे 200 रुपये में मिल जाएगा। ये देखिए तो रिस्पांस देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस। अदरवाइज नियॉन टेटर थोड़ा सा फिनिकी होता है। ये अपने पास बोजमानी रेनबो, रेड ईरानियन रेनबो, ऑस्ट्रेलियन रेनबो है, इसमें से कोई सा भी रेनबो उठा लीजिए 199 रुपीज़ का। नियॉन रेनबो भी हमारे पास, और ये नियॉन रेनबो। एंड सेवरम्स है, तो ये पैरट्स जो है हमारे पास 399 के हैं। एंड येलो और रेड दोनों सेम है? हाँ, दोनों सेम रेट। और फायर मॉथ जो है वो अकारा और फिरमत? फायर मॉथ 129 रुपीज़ का पर पीस। और सेवरम्स? सेवरम 239 का है पर पीस। ग्रीन टेरर 149 रुपीज़ पर पीस है। एंड इलेक्ट्रिक ब्लू नियोन आकार है 149 रुपीज़ पर पीस। अच्छा, फूड जो हम सिकलेट्स के लिए स्टार्टिंग दे रहे थे वही फूड है ना? ये नहीं, ये कार्निवोरा सिकलेट है। अच्छा, और यहाँ पर कलर वीडियो टेट्रास हैं? एग्जैक्ट, हाँ। सो कलर्ड वीडियो टेट्रास जो है उन पे भी ऑफर चल रहा है। तो बाई अगर आप नॉर्मल खरीदेंगे तो 49 रुपीज़ में कोई सा भी कलर उठा सकते हैं, और अगर 10 पीस लेंगे तो 39 रुपीज़ का पर पीस पड़ेगा आपको। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे कलर हैं, पर्पल है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, ऑलमोस्ट सारे कलर्स हमारे पास हैं। और इनको आप कौन सा फिट दे रहे हो? माइक्रो? इनको माइक्रो ही देते हैं हम लोग जनरली। ऑस्कर्स हमारे पास हैं, इन तो ऑस्कर्स हमारे पास जो छोटे हैं वो 229 रुपीज़ के हैं। एल्बिनो, फायर रेड, लेमन, ये 279 रुपीज़ के मीडियम साइज़। एंड बड़े साइज़ जो है वो 399 के। तो ये हमारे पास करीब 6-7 वैरायटी के बाब्स हैं। देन हमारे पास ज़ेब्रा डैनियोज़ है, फिर आपका कार्डिनल टेट्रा हो गया, एंडर गप्पीज़ हो गए, नियॉन ब्लड फिन टेट्रा हो गया, वो इसमें है। देन इसमें फीमेल कैंडी कोइस बेटा है। अच्छा, ये फीमेल्स हैं क्या? हाँ, ये आप एक साथ मल्टीपल रख सकते हैं, बट ये आप कलर देख लीजिए। और इसको भी हमारा जो नया लाइट आया है वीक एक्वा, ये सेम फिश डाल के मैं दिखाऊंगा, तो उसमें आपको अंतर मालूम चल जाएगा कि कितना अच्छा लगता है वो। फिर हमारा इधर पे ब्लैक नियॉन टेट्रा है, असैसिन स्नेल्स है हमारे पास, ब्लैक पामेलिनी टेट्रा है हमारे पास, रेड चेरी बाब है, वेल्टेल चेरी बाब्स भी हैं, ये कोबाल डॉर गुरामी है, ये प्लांटेड टैंक में काफ़ी अच्छे लगते हैं, कोलंबियन टेट्रा है हमारे पास। कोलंबियन टेट्रा है हमारे पास। फिर रमीनोस टेट्रा है, एम्बर टेट्रा है, नेराइट स्नेल्स है, सियामीज एलिगेटर है, गोल्डन एलिगेटर है, एंड लेमन टेट्रा है, हार्लिकिन रासबोरा है, पर्पल हार्लिकिन रासबोरा है, एंड ऑटोसिनक्लस है जो एल्गे खाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट फिशेज है। ऑटोसिनक्लस है ना? ऑटोसिनक्लस, हाँ।
एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं एक कोई बेटा है, ये मेल है फीमेल है? ये आपका फीमेल है, इसको हम लोग अभी नए वाले वीक एक्वालाइट में डाल के देखें। 225 है ना ये 199 में अवेलेबल है। अच्छा, इसमें आपका काफ़ी तरह के कैटफिशेज हैं, अपसाइड डाउन कैटफिशेज हैं इसमें, एंड अल्बिनो कॉन्गो टेट्रा है, करीब 5-6 वैरायटी के प्लेटीज हैं, काफी दिनों के बाद ब्लाइंड केव टेट्रा वापस आ गया हमारे पास। अच्छा हाँ, पहली बार हमने कवर किया था ना ये? जी, ये लास्ट ईयर पहली बार आया था। एंड इसके बगल में तांगानिकन सिक्लिड है, फ्रंटोसा है हमारे पास 749 का, देन डबल स्टार ट्रॉफियस है हमारे पास, स्पॉटेड दुबोसी है, देन बैम्बा है हमारे पास, ये 5-6 वैरायटी के ट्रॉफियस सिक्लिड्स भी। ट्रॉफियस अभी हम लोगों ने रिसेंटली रखना चालू किया, एंड बेचारडी भी है हमारे पास। एंड ये जो स्टोन्स देख रहे हैं ये बड़ा ही वर्सेटाइल स्टोन है, इसको कोर्स लावा रॉक बोलते हैं। तो ये स्मॉल साइज है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, हमारे पास मीडियम भी है, लार्ज भी है, तो ये किसी भी तरह के सेटअप में बड़ा अच्छा जाता है, एंड ये फिल्ट्रेशन भी करता है पानी का, देखने में भी काफ़ी सुंदर है। अच्छा। ये हमारे ये बहुत कम जगह पर मिलेगा, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में, एंड इसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं। अच्छा, तो बेनिफिल बैक्टीरिया बनने के लिए। हाँ, तो एक तो ये सुंदर भी लगता है देखने में, एंड दूसरा है कि इसमें फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। और इसका कॉस्ट कैसा होता है, पर किलो होता है या पीस के हिसाब से? नहीं, पर किलो है ये, तो ये हमारे पास करीब 299 से लेकर 399 पर केजी के बीच में अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी, बट ये काफ़ी अच्छा स्टोन है, एंड ये रिसेंटली आया है, एंड इसके यूजेस काफ़ी अच्छे हैं, एंड किसी भी तरह ये वाटर पैरामीटर्स को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए आप किसी भी तरह के फिश में आप इसको बिना टेंशन के यूज़ कर सकते हैं। ये मैं डाल रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, स्पेशली प्लांटेड टैंक में भी काफ़ी अच्छा जाता है। तो ये अपने अमेरिकन सिक्लिड्स हैं, अब इनका खूबसूरती देख सकते हैं। तो एल्बिनो जियोफेगस है हमारे पास, एंड एल्टीफ्रॉन्स है, तो ये 2399 के एल्टीफ्रॉन्स हैं, एंड जियोफेगस एल्बिनो जो है वो 4899 के, तो ये ऑलमोस्ट ब्रीडिंग साइज़ के हैं, एंड इनकी खूबसूरती मतलब काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं प्लैनेट टैंक सेक्शन के अंदर, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लैनेट टैंक हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो भी है ये डेमो के लिए है, आप चाहे तो खरीद के लिए जा सकते हैं या आप इसमें से बनवा भी सकते हैं। तो काफ़ी सारे डेमोस हैं यहाँ पर, जैसे तो यहाँ पर एक सैम्पल डेमोस हैं, अलग अलग प्रकार के आपको एक्वेरियम यहाँ पर मिल जाएंगे। तो लाइटिंग अलग अलग है या कौन सी लाइटिंग आप इस्तेमाल करें सबके लिए? अभी लाइटिंग जो है, अभी हमारे पास काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक वापस आया है, तो जनरली हम लोग चिरियोस यूज़ करते हैं, चिरियोस का लाइट हमारे पास है, या फिनिक्स का हम यूज़ कर रहे थे, बट अभी जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट लाइट है वीक एक्वा, वो हमारे पास अभी अवेलेबल है, एंड आपका वीक एक्वा का A430 लाइट है, एंड ये अभी प्रेजेंटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइट इन द वर्ल्ड, एंड ये 2 फीट से लेके 3 फीट तक के लिए ये सूटेबल है। तो इसमें ग्रीन आपका काफ़ी अच्छा निखर के आएगा एज वेल एज रेड, एंड ये पूरा ऐप कंट्रोल्ड है ये, तो इसका ऐप आपको अपने फ़ोन पे लोड करना पड़ेगा, एंड ये काफ़ी पावरफुल लाइट है। और उसकी प्राइजेस क्या वेरियस, कुछ डिफरेंस है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स या सेम सिमिलर है? जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी में मैं सिर्फ एक ही लाइट कंपेयर कर सकता हूँ, वो है आपका ADA का सोलर RGB, एंड जितने में एक सोलर RGB आता है उतने में ऐसे 4 या 5 लाइट आ जाए। अच्छा, तो उतना ह्यूज प्राइस डिफरेंस। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को गोल्ड फिश रखना है, तो ये देख सकते हैं कि एकदम वो गोल्ड फिश के हिसाब से हो जाएगा, ये अरवाना अगर फिश रखनी है तो अरवाना में भी यूज़ हो जाएगा, ये मेरे को कस्टमाइज़ करना है तो कस्टमाइज़ हो गया। इसमें ब्लू ऑप्शन भी है जो मरीन के लिए रखें? हाँ, वो भी है। तो जैसे मैं यहाँ पर एडवांस मोड में चला गया, एंड इवन अगर मैं चाहूँ तो, हाँ सॉरी, ओशन फिश, तो मैं ओशन के हिसाब से भी। अच्छा। अगर ओशन एक ही लाइट जो है आपका फ्रेश वाटर हो गया या आपका प्लांटेड टैंक हो गया, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं जस्ट कस्टमाइज़ करके दिखा रहा हूँ, तो जैसे मैंने अभी सारा चीज़ बंद कर दिया है,
ये मैंने सिर्फ रेड ऑन किया है। हाँ। ठीक है, अब मैं रेड बंद कर दे रहा हूँ, ये सिर्फ ग्रीन ऑन कर दिया है मैंने, ये सिर्फ ब्लू ऑन कर दिया है मैंने। हाँ। और इस लाइट में सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये वर्ल्ड का पहली कंपनी है जिसने आरजीबी के साथ में यूवी भी है इसमें। अच्छा। यूवी स्पेक्ट्रम भी है। तो यूवी से क्या होता है कि कलर काफ़ी, अगर आप पास से देखेंगे ना तो लगेगा कि आप एचडी में देख रहे हैं। हाँ, हाई डेफिनेशन। 4K या 8K में आप देख रहे हैं। तो इसमें आरजीबी है और एक ही चिप आरजीबी कंट्रोल करता है, जितने एलईडीज हैं, मतलब हर लाइट को एक चिप कंट्रोल करता है। एंड उसके अलावा आपका यूवी है, तो उसके कारण आपका कलर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। आप अभी रेड, ये जस्ट टैंक एक हफ्ता पहले सेट हुआ है एंड आप ग्रोथ देख सकते हैं कि कितना अच्छा। तो अभी इसका प्राइस क्या हो सकता है यहाँ पर जो लाइट है? सो ये लाइट जो है वो हम लोग रिटेल में 29,900 में बेच रहे हैं एंड स्टैंड का प्राइस अलग से। अच्छा। स्टैंड जो है 2900 रुपीस पर पीस अलग से है। एंड इसी तरह का पी, और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है वो थोड़ा पास से मैं आपको दिखाता हूँ। इस लाइट में कोई भी फैन नहीं है। अच्छा। ये आप देखेंगे तो बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही बड़े बड़े हीट सिंक्स लगे हुए हैं। तो उसके कारण क्या है कि ये हीट जो है ये पूरा बाहर निकाल देता है। तो उसके कारण ये सुपर साइलेंट है, क्योंकि उसमें फ़ैन है ही नहीं। बट स्टिल ये लाइट आपका ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट सिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अच्छा, हीट सिंक टेक्नोलॉजी में आप लोगों को याद दिला दूं कि ये प्रोसेसर के अंदर यूज़ होता है, कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पर प्रोसेसर में या ग्राफिक कार्ड में यूज़ होता है, तो वो हीट सिंक यहाँ पर यूज़ किया गया है जी। तो इसी का पी सीरीज़ भी है अभी एक्वा का, वो भी काफ़ी अच्छा लाइट है, वो भी मैं दिखाऊँगा अनबॉक्सिंग करके। बट उसमें फ़ैंस हैं जो ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर किसी को एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइट चाहिए विदाउट एनी नॉइज, देन देयर इज नथिंग। टोटल कॉस्ट क्या हो सकता है विद स्टैंड? अरे करीब 34,000-35,000 के आसपास पड़ेगा विद स्टैंड। एंड ये भी प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन डॉलर का प्राइस, क्योंकि ये इम्पोर्ट होता है। ये आप सामने में देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लाइट है, चिरियोस का आपका WRGB 2 है, ये भी काफ़ी अच्छा लाइट है। बट अगर आप वीक एक्वा का सामने देखेंगे तो वीक एक्वा का कलर जो है काफ़ी अच्छा है। तो ये है चिरियोस का, यहाँ पर सैंपल आपको मैं दिखाऊंगा, और ये है वीक एक्वा का, और वो भी वीक एक्वा का आपका वी सीरीज है। तो हम लोग आपको एक लास्ट में ना एक शीट में प्राइसिंग पूरी दे देंगे। तो ये आप देखिए, ये आपका नॉर्मल कलर में फिशेस कैसी लग रही है। ये सारी फीमेल बेटा है। और मैं ये अब इसमें डाल के दिखाता हूँ कि डालते ही इनका कलर कितना अच्छा लगेगा। अच्छा। आप देख लीजिए, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, फिशेस का भी कलर बहुत निखर के आता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मतलब मार्केट में भी इससे बेटर लाइट जो है अभी शायद अवेलेबल ना है। ड्यू टू RGB एंड UV आप देख सकते हैं कि कितना निखर के आ रहा है। तो ये है A सीरीज का लाइट जो यहाँ पर यूज किया हुआ है इसके अंदर, ये वाला। अभी हम P सीरीज का लाइट देखते हैं जो बड़े एक्वेरियम्स के लिए है। इसकी प्राइसिंग लगी हुई कि नहीं? ठीक। ये कितना फिट का? तो लाइट्स का हमारे पास बहुत ह्यूज रेंज है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ही मैं लाइट्स दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ हमारे पास बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स और दूसरे वैरायटीज़ भी हमारे पास है। तो WRGB में हमारे पास जो सबसे सस्ता और अच्छा लाइट है वो है एस फ्लोरा, एंड इसकी 2 फीट की प्राइस 2,999 रुपीज़ है। तो इसमें ये ऐप कंट्रोल और बाकी चीज़ें नहीं हैं, बस ऑन ऑफ है। बट WRGB इतने सस्ते में और किसी भी ब्रांड का भी शायद अब। तो WRGB ये 2 फीट का है एंड इसकी अभी कॉस्टिंग है 2,999। ये एस फ्लोरा हो गया। फिनिक्स USA का भी लाइट हमारे पास अवेलेबल है। ये आपका WRGB है प्लस इसको आप पूरा टाइमिंग कर सकते हैं, सनसेट सनराइज सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कलर इन्हेंसमेंट इसमें है। और उसका प्राइस?
ये जो है आपका ये 19,990 का है, अभी ये ऑफर में 16,990 में जा रहा है। चिरियोस का कंप्लीट रेंज हमारे पास है, तो 9-10 हज़ार से लेके C2 8,500 से चालू होता है C2 लाइट, एंड ये करीब 35-40 हज़ार तक जाता है WRGB2 प्रो पे, तो वो कंप्लीट रेंज हमारे पास चिरियोस का है अवेलेबल। एक लाइट मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि वरदान है, मतलब इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर सम एनीबॉडी कीपिंग डिस्कस एरोवाना और मलावी सिकलिट। सो दिस कांट, ये आप प्लांटेड टैंक में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट ये कलर एनहेंसमेंट के लिए काफ़ी अच्छा लाइट है। एंड इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप देखिए, हम लोग यूज़ कर रहे हैं मलावी सिकलिड में, सिर्फ इसमें टीका लाइट ही लगा हुआ है, बट आप इसमें देख सकते हैं कि कलर कितना निखर के आ रहा है। हाँ, तो सिकलिड में भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्कस में भी बहुत अच्छा आता है, हमारे काफ़ी सारे कस्टमर जो डिस्कस में यूज़ करते हैं, एंड इवन लोकल जो अपना ये है गोल्ड फिशेज है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलरेशन आ रहा है। तो गोल्ड फिश के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया है सेम। हाँ, तो ये अगर आप देखेंगे भी तो लोग इसको एरोवाना, डिस्कस, फ्लावर हॉर्न, गोल्ड फिश इसमें यूज़ करते हैं, एंड इसका मेन काम है कलर इन्हांस करना। तो ये वाटर को कलर नहीं करता है, सिर्फ फिशेस को कलर करता है, मतलब कलर इन्हांस कर देता है। अगर आपके पास नैनो टैंक्स हैं तो ये 1100 रुपये की नई लाइट आई है, तो इसको आप ग्लास में लगा करके, एंड देखने में भी काफ़ी सुंदर है। हमारे पास एक और इंडियन लाइट भी है, और इसी के बारे में बात कर रहा था, ये एक काफ़ी अच्छा इंडियन ब्रांड है, एंड इस पर 6 महीने की वारंटी आती है, एंड ये 1 फीट टैंक आराम से कवर कर लेता है, एंड इसका कवरेज जो है आप आराम से आगे पीछे कर सकते हैं, और वो मैं दिखा देता हूँ। एंड प्राइस वाइज जो है ये 1699 का है, एंड इट कम्स विद 6 मंथ्स वारंटी, तो ये काफ़ी अच्छा ये भी लाइट। तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मतलब काफ़ी वैराइटीज़ हैं, तो अभी हमारा जो सबसे स्टार लाइट है एक A430 दिखाया हम लोगों ने, और दूसरा हम लोग पी सीरीज़ लाइट दिखा रहे हैं आपको। तो ये इसका शेड है, ये लाइट का शेड है, ये आपका लाइट हो गया, काफ़ी हेवी लाइट है, और इसकी कूलिंग के लिए इसमें 2 फैंस आते हैं। एंड सबसे बड़े खासियत इस लाइट की ये है, एंड शायद ये वर्ल्ड का पहला लाइट है जो कि 4 फीट का लाइट 5 फीट तक के प्लांटेड, हेवीली प्लांटेड टैंक को कवर कर सकता है, बट 5 फीट में लगाने के लिए आपको अलग से वो इसका स्टैंड खरीदना पड़ेगा, जो एल स्टैंड खरीदना पड़ेगा, और अदरवाइज जो नॉर्मल इसका जो हुक आता है वो 4 फीट तक के ही टैंक के लिए है, ये इसका साइड में हुक आता है, बट अगर आप इसको टांग देंगे छत से या इसके हुक से तो आराम से ये 5 फीट तक के टैंक के लिए इट इज़ मोर देन एनफ, एंड ये काफ़ी पावरफुल लाइट है। इसका टेक्निकल डिटेल्स भी मैं आपको दे दूंगा ताकि हम लोग हमारे कस्टमर को मालूम चल सके। सो ये 150 वाट का लाइट है ये। तो इस जब तक हम लोग बाकी चीज़ें देख रहे हैं तब तक अरुण और अभिषेक इसको सेट कर देंगे एक 4 फीट के टैंक पे। तो हम लोगों ने पहले भी शूटिंग किया है जिसमें, और इसके बाद भी लगा के भी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। सो अच्छे एक्वेरियम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइट और फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हम लोगों ने जितने अच्छे ब्रांड्स हैं वो सारे ब्रांड में कंप्लीट रेंज हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो अगर फ्लूवल की बात करूँ मैं तो 107, 207, 307 मॉडल नंबर, 407, FX6 तक हमारे पास कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। सेम मैं अगर EM की बात करूँ तो क्लासिक 250 से लेकर के क्लासिक 600 तक कंप्लीट रेंज हमारे पास अवेलेबल है। सनसन का कंप्लीट रेंज हमारे पास कैनिस्टर में अवेलेबल है। एक्वल भी काफ़ी अच्छा फिल्टर है, तो EM 1 साल के वारंटी के साथ आता है, सनसन में कोई वारंटी नहीं है। एफजोन 1 साल के वारंटी के साथ आता है। एफजोन के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों इतना एडवांस फिल्टर है। FX6 1+2 ईयर्स के वारंटी पे आता है, अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तो वारंटी बढ़ जाती है इसकी। वैसे 1 साल के वारंटी पे है, एक्वल 1 साल के वारंटी पे।
तो कंप्लीट रेंज आपका सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़ा जो है कंप्लीट रेंज हमारे पास अवेलेबल। तो ये मैं एफजोन फिल्टर के बारे में जो बता रहा था, तो ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। जो इसमें मोटर है ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का मोटर है, एंड चूँकि ये मशीन के बाहर है, जिस तरह से ADA में होता है या बहुत टॉप एंड FX6 फिल्टर्स में होता है, तो इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। इसमें दो तीन खासियत है जो कि बड़ा ही यूनिक बनाती है इसको। इसमें अगर आप देखेंगे तो इनलेट दो है, सॉरी आउटलेट दो है आपके, तो अगर आप चाहें तो इसको दो एक्वेरियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, या अगर आप चाहें, अगर आपका टैंक 6 फिट का है या 5 फिट का है, तो अगर आप चाहें इसको तो दो साइड से आप पानी अंदर लेकर के एंड एक जगह से साफ होकर निकलेगा, तो वाटर सर्कुलेशन आपके टैंक में आपको अलग से फैन, अलग से वेव मेकर या कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसमें दो तीन खासियत और ये है कि इसमें एक आपका कंट्रोल यूनिट आता है, वो एक बार अगर आप दबा देंगे तो ये थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए बंद हो जाता है ताकि आप फिश को फीड दे सके, एंड अब वो ऑटोमेटिक दोबारा से चालू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो के कारण ये फिल्टर काफ़ी यूनिक है, एंड आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं कि कंप्लीट प्योर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो ये इसका कंट्रोल यूनिट है, इससे आप अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है आउटफ्लो की, तो उससे आप कम भी कर सकते हैं कंट्रोल यूनिट से। आप स्पीड फिल्ट्रेशन का वाटर फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंड जो मैंने आपको बताया कि एक बटन दबाने पे थोड़ी देर के लिए फिल्टर बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, वो सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं। तो अब ठंडी आ चुकी है, एंड हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि हम मछलियों को अच्छा हीटर दें ताकि मछलियाँ ठंड के कारण मर ना जाएँ। तो हमारे पास सबसे सस्ते से लेकर के जो बेस्ट क्वालिटी है वो सारी हीटर्स अवेलेबल है। तो मैं उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों कुछ वैरायटी सस्ती हैं एंड क्यों कुछ वैरायटीज़ महंगी हैं। तो जैसे ये हमारा RS का स्टॉक अवेलेबल है, तो ये आपका 25 वाट से लेकर के 300 वाट तक का अवेलेबल है, एंड इसकी प्राइसिंग है आपकी 299 पर पीस। सेरा का भी अवेलेबल है, एंड एक चीज़ पर मैं सारे लोगों का ध्यान खींचूँगा कि जो अच्छे हीटर्स आते हैं जैसे JBL हो गया, सेरा हो गया, उसमें एक गार्ड लगा होता है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग प्लेको रख रहे हैं, तो ये अगर देखेंगे जब ये एक बार आपका कवर लग जाता है तो फिशेस जो हैं इससे आकर के टच नहीं कर सकती अपने बॉडी को, एंड बहुत बार क्या होता है आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपकी कॉस्टली फिश जो है उन्होंने गलती से ग्लास को टच कर लिया या प्लेकोस हो गई। उनकी आदत होती है कि वो गर्म जगह से जाकर चिपकने की, तो आपका उस तरह का एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। EM का रेंज हमारा चालू होता है 2490 से, एंड बड़े जो हैं वो अराउंड 100 वाट का 2590 है, एंड 200-300 वाट का अराउंड 3000 के आसपास जाता है। JBL का भी हीटर्स काफ़ी अच्छा है। JBL का जो 200 वाट का है वो अराउंड 2500 के आसपास है, 300 वाट भी उसी के आसपास है, 2500 टू 3000 के आसपास में कंप्लीट रेंजेस का आता है। फ्लूवल ये जो है 2390 से इसका 50 वाट्स चालू होता है, एंड ये जाता है आपका करीब 3500 रुपीस तक, 200 वाट एंड 300 वाट। हमारे पास इवन इन लाइन हीटर्स भी अवेलेबल हैं जो आप फिल्टर के आउटलेट में कनेक्ट कर सकते हैं, तो जब पानी बह रहा होता है वो उसी समय गर्म कर देता है। तो अगर आप एक्वेरियम के अंदर हीटर नहीं डालना चाहते हैं तो हमारे पास इन लाइन हीटर्स भी अवेलेबल। और ये वाले जो यहाँ पर ये जो है ये आपके छोटे टैंक्स के लिए है, एंड ये कम्प्लीटली इनक्लोज्ड है। तो जैसे मैंने प्रॉब्लम बताया था कि फिश टच कर गया और डेथ होने का या ग्लास शैटर होने का, वो सब प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये 990 रुपीज़ का है।
ये छोटा, काफ़ी छोटा हीटर है ये, एंड ये कम्प्लीटली इनकेस्ट। जिनके पास बड़ा टैंक है और जो हीटर एक्वेरियम के अंदर नहीं रखना चाहते हैं, तो ये इनलाइन हीटर है जो फिल्टर के आउटलेट वाले पाइप में कनेक्ट कर सकते हैं आप। एंड ये जो पानी जब फ्लो कर रहा होता है उसी समय इसको गर्म कर देता है एंड काफ़ी प्रिसाइज कंट्रोल रखता है। इसकी कॉस्टिंग 7900 रुपीज़। जो ये एक्वेरियम के बाहर में पाइप का दिया हुआ है, पाइप यहाँ पर अटैच कर देना है, हाँ, तो वो इनलाइन से ही पास होते होते वार्म हो जाएगा। हाँ, जनरली लोग जो आउटलेट होता है, जब कैनिस्टर फिल्टर में पानी साफ हो चुका है और जब जा रहा है तो ये इसको गर्म पानी को गर्म कर देता है। तो आपको हीटर कुछ नहीं है, इतना सेकेंड में वो काम कर लेता है, 3 सेकेंड। हाँ, काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। 3 सेकेंड जो है ये पानी को गर्म कर देता है एंड काफ़ी प्रिसाइज कंट्रोल करता है। तो क्या है, हीटर एक्वेरियम के अंदर रखने से दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो क्या है कि एक साइड में पानी गर्म रहता है, दूसरे साइड में ठंडा रहता है। वो जब तक मिक्सिंग नहीं होती है तो एक टेम्परेचर नहीं होता है। इसमें आपको पूरे एक्वेरियम का पानी एक जैसा आपको गर्म रहेगा, तो आपको एक ही एक्वेरियम के अंदर में ज़्यादा वेरियंस नहीं रहेगा। ये नए टाइप का प्रोडक्ट। अगर किसी को इनक्यूबेटर बॉक्स चाहिए तो जिस ब्रांड काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है, उसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। एंड ये ब्रीडिंग बॉक्स है, ये आपका इनक्यूबेटर्स है, ये 2-3 साइज़ में हमारे पास अवेलेबल। तो ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, जिनको भी ज़रूरत है वो हमसे कनेक्ट करके एंड स्टॉक ले सकते हैं। ये आपका जो जिस का ब्रीडिंग बॉक्स है, ये आपका 3299 रुपीज़ का है एंड इनक्यूबेटर जो है 2499 रुपीज़ का है। अब हम आते हैं बायोलार्क पे। तो बायोलार्क काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है एंड इसका कंप्लीट रेंज हमारे पास अवेलेबल है, छोटे से बड़े साइज़ में। तो ये आप, ये जैसे इनका है, ये आपका मॉस हो गया, अनुबियाज हो गए, मतलब छोटा टेरेनियम के लिए है ये। एंड इसमें आप छोटा टेरेनियम सेट कर सकते हैं। बड़े साइज में ये अगर आप देखेंगे तो इसमें एलईडी लाइट भी है, ये एलईडी लाइट भी है इसमें एंड इसमें फैन भी लगा हुआ, तो लाइटिंग और एग्जॉस्ट भी काम करता है दोनों। हाँ, दोनों चीज़ें लगी हुई है। एंड इसमें आप एग्जॉस्ट, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी, आप नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा इवेपोरेशन हो, तो ये जैसे देख सकते हैं, ये आप जो छेद है इसका, ये इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये छेद को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पानी इसी के अंदर बार बार घूमते रहे तो पूरा बंद कर दे, या आप जितना खोलना चाहे उतना खोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास लग रहा है ना, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है। एंड इसके जो फिनिशिंग है वो मतलब एकदम परफेक्शन पे है। तो ये थोड़ा सा हाई एंड पे है एंड ये 8999 रुपीज़ का है एंड हमारे पास कंप्लीट रेंज बायोलार्क का अवेलेबल है। तो छोटे से बड़े रेंज में कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। तो मॉन्स्टर फिशेज के लिए, मॉन्स्टर टैंक्स के लिए फिशेज है, ये रेड टेल कैटफिश है 339 रुपीज़ का, गार है 749 रुपीज़ में, 4-5 वैरायटी है, कोई सा भी उठा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 5 इंच से लेके 7 इंच के बीच में, एंड ये बिशीर के 5-6-7 वैरायटीज़ हैं। तो 799 से लेके 1299 के बीच में प्राइस है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड क्वालिटी। तो जैसे ये फ्लूवल का हम लोग इनको बग बाइट्स खिलाते हैं एंड फ्लूवल के फिश फूड काफ़ी अच्छे क्वालिटी के। ये देखिए गार को खाना खाते हुए। तो यहाँ पर बिफोर है जो अभी लाइट सेट करने जा रहे हैं, ये बिफोर का लाइट है, ये इस तरह के सेटअप यहाँ पर लगाया है इन्होंने, बिफोर के लिए दो लाइटिंग लगाई है, फिर भी इतना ये कलर इतना आ रहा है। अभी हम आफ्टर बाद में देखते हैं कि आफ्टर किस तरह ये इफेक्ट दिखाएगा इंस्टॉल करने के बाद वीक लाइट।
तो हमने देखा जैसा बिफोर और आफ्टर हम दिखा रहे हैं, बिफोर जैसा हमने देखा था टैंक, अभी देखिए आफ्टर कैसा लग रहा है। तो इसको कायाकल्प बोलते हैं। तो टैंक देख सकते हैं कितना सुंदर हो गया है, एंड फिशेज एंड प्लांट्स का लाइट भी कितना एनहांस हो गया है। दो लाइट लगाए थे ना? हाँ, पहले दो लाइट लगा हुआ था, अभी एक लाइट लगा हुआ है। और ये ऐप पे अराउंड 60% इंटेंसिटी पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट कितना स्ट्रांग है। एंड इसी लाइट के बारे में बोल रहा था कि ये 4 फीट का लाइट इज सफिशिएंट फॉर इवन 5 फीट टैंक। तो देखिए काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, पहले कितना लग रहा था, अभी ये तो ये जैसे ये ग्रीन कलर इन्हांस कर रहा है, ये रेड कलर इन्हांस कर रहा है, ये मिक्स्ड हो गया, एकदम क्लियरली विजिबल है। ये गोल्ड फिश के लिए है, ये अरवाना के लिए है, ये कस्टमाइज। एंड ये सेम लाइट आप इवन मरीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही वर्सेटाइल लाइट है। तो काफ़ी सारा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है बिफोर एंड आफ्टर, ये हम दिखाने के बाद लाइट। एंड वी कैक्वा का कंप्लीट रेंज हमारे पास है, वी सीरीज, एम सीरीज, डी सीरीज, पी सीरीज एंड ए सीरीज सबसे टॉप एंड है, बट हमारे पास कंप्लीट नीचे से लेकर ऊपर कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। फिशेस हो गई, लाइट्स हो गया, फिल्टर हो गया। अभी आपको 5-6 ब्रांड्स आपको फिश फूड्स मिल जाएंगे, JBL हो गया, उसके अलावा आपको सारी एसेसरीज मिल जाएंगी, स्टोन्स मिल जाएंगे, ADA हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, फ्लूवल हो गया, हर वैरायटी का सॉइल मिल जाएगा आपको। वाटर के लिए आपको कुछ भी चाहिए वो केमिकल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। CKM का कंप्लीट रेंज हमारे पास है अवेलेबल। वुड एंड स्टोन में करीब 20 वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। प्लांटेड टैंक ले लीजिए, मरीन टैंक ले लीजिए, कुछ भी है। मरीन भी हम लोग कुछ दिन में लॉन्च करने जा रहे हैं एक्वेरियम, बट मरीन स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल है। फिल्टर मीडिया हमारे पास करीब 15-16 वैरायटी का है। हैंग ऑन फिल्टर हमारे पास कंप्लीट रेंज है। आपका स्टोन्स और प्लांटेड टैंक के लिए जो इन्हांस करने के लिए आपके आते हैं, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देने के लिए, उस तरह के काफ़ी सारे स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल है। रखने वालों के लिए और जिनको लाइव फिश फूड नहीं पॉसिबल है खिलाना, तो हमारे पास फ्रोजन फिश फूड अवेलेबल है। तो ये आपका टर्की हार्ट मिक्स है, ये ब्लड वर्म्स है, आर्टीमिया है, एंड ये गोट हार्ट मिक्स ग्रो फूड है। तो डिस्कस हो गया, अरोवाना हो गया, इन सब जो भी फिश रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड हम लोगों ने फ्रीज़र लगा दिया है दुकान में, तो आपको एकदम फ्रोजन कंडीशन में आपको इस तरह के ब्लिस्टर पैक्स में मिल जाएगा। ये खोल करके आपको एक सिंगल सिंगल पीस जो है आप खिला सकते हैं, तो वेस्टेज भी इसमें होने के चांसेस बहुत कम होता है। एंड आराम से आप अपने फ्रिज के अंदर में भी इसको प्लास्टिक में रैप करके या डब्बे के अंदर में डाल के आप आराम से इसको रख सकते हैं। तो इसका कितने महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं? ये आपका एक फ्रोजन कंडीशन में तो 6-8 महीना जनरली ख़राब बिल्कुल नहीं होता है, बट जनरली हम लोग जो भी पैक के पीछे में लिखा हुआ आता है बेस्ट बिफोर डेट, उसको फॉलो करते हैं। बट फ्रोजन, एक बार फ्रोजन हो गया तो ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम है। एंड बहुत जगह पे क्या होता है कि लोग दूसरे से मंगा करके दुकान में स्टोर करके रखते हैं, एंड कस्टमर ले जाते हैं फिर उसको फ्रीज करते हैं, तो वो एक बार वो थॉ हो जाता है, थॉ मतलब वो पिघल जाता है, फिर दोबारा फ्रीज होता है, उसी में इन्फेक्शन आने का डर होता है। तो हम लोग ड्राई आइस में इसको मंगवाते हैं, एंड हमारे स्टोर में फ्रीज़र लगा हुआ है, फ्रीज़र में स्टोर रहता है, जिसके कारण हम लोग बेस्ट क्वालिटी दे पाते हैं। फिशेज, फिश फूड, एसेसरीज, ये सारे स्पेशली लाइव फिशेज जो हो गई वो सिर्फ हम बैंगलोर में ही डिलीवरी करते हैं, बैंगलोर के बाहर डिलीवरी हम लोग नहीं करते। अदरवाइज एसेसरीज और बाकी लाइट्स ये सब चीज़ें पूरे इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं। सामान इंश्योर्ड जनरली लाइट्स नहीं होता है, और अगर कस्टमर चाहे तो खुद भी बुकिंग करके मंगा सकते हैं या हम बुक करके भेज देंगे, बट फिशेज हम बैंगलोर के बाहर नहीं भेजते। तो हम लोग नवंबर दिसंबर में जो ऑफ़र चला रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। एंड हमारा फ़ोन नंबर है 6366-00659, इस पर आप कनेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज आप छोड़ दीजिए, हम लोग आपसे वापस कनेक्ट बैक करेंगे। एंड फिशेज हो गई और बाकी चीज़ों पर जो ऑफ़र है आकर के आप पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।